कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। कालियागढ़ी जागृति विहार में बाबा मोहन राम मंदिर के महंत को लेकर विवाद व टकराव के हालात बन गए हैं। बीते दिवस पुजारी रवि के खिलाफ क्षेत्रीय नागरिकों ने धरना प्रदर्शन किया था, तो आज सैकड़ों की संख्या में महिलाओं व समर्थकों ने DM ऑफिस पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप है कि विरोधियों की मीट आदि की दुकानें बंद करा देने के कारण वे लोग पुजारी रवि की खिलाफत कर रहे हैं। मंदिर के पास मीट की दुकानें होने का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ये लोग कलेक्ट्रेट मंदिर के बचाव में हिंदू समाज मैदान में के नारे लगाते हुए बैनर लिए हुए पहुंचे थे। fastbaat.tv के रिपोर्टर ने तमाम प्रदर्शनकारियों से आज के विरोध को लेकर के वार्ता की, देखिए। मेरा नाम साक्षी है, मैं गुरुजी की भतीजी हूँ, समझ लीजिए। और क्या कहते हैं, जो हमारे यहाँ पे गुंडागर्दी चली जा रही है, लड़कियों को छेड़ागारी चली जाती है, जो माया नाम की लेडी है और गुड्डू है, उनके तो यहाँ पे रोज पुलिस आती जाती रहती है। उनका कोई वो नहीं है कि पुलिस नहीं आती, वहाँ गुंडागर्दी रोज चलती है, हर बृहस्पतिवार को वहाँ लड़ाई झगड़े। उसके यहाँ तो जो जिसके ऊपर लड़ाई हुई है, गुड्डू है और माया है और फिड्डल है, फिड्डल के आए दिन पुलिस में थानों में पर्चे लिखे जाते हैं, ये समझ लीजिए। और क्या कहते हैं, वो लड़कियों को छेड़ते हैं, दारू पीते हैं, दोरों के घर में लड़ाई करते हैं, लड़ाइयों में घुसते हैं जाके, तो वो चीज बंद कराई जाए। और मंदिर के सामने मीट बनता है और मीट बनवाते समय और कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं होगा हमसे, मतलब इन लोगों से कुछ नहीं होगा, तो आप उस चीज की कार्रवाई करिए। हाँ जी, सब चीज से शिकायत कर रखी है, कहाँ शिकायत नहीं कर रखी, वो तो इंक्वायरी सब हुई भी है, कुछ नहीं करती पुलिस करती तो ये बताइए, जो बच्चों के रेप हुए हैं अभी कालियागढ़ी में, वो उनका नाम भगत जी का नाम क्यों आया गया है, तो उनके घर वालों ने क्यों कार्रवाई करी, निकाला जाता ना। और वो भी एक बुढ़िया मरी थी मेडिकल में, उसका नाम माया की सास थी, वो उसे उसने कहा है कि भगत जी ने मरवाई है, कल को माया मर गई तो अब भी भगत जी मरवाएगा। 3 महीने पहले उसकी भतीजी मतलब पोती भागी थी, क्या वो भी आई, वो सिर्फ भगत जी ने भगाई थी क्या, जब क्यों नहीं इसमें वो लगाया था यहाँ के, बताइए। छोटे बच्चों की सेवा करी जा रही है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है, आगे उन्हें बढ़ाया जा रहा है, तो उन्हें क्यों नहीं वो सपोर्ट करे। आप अधिकारी से मिले, कोई सुनवाई नहीं है, सब बंद, अभी कुछ नहीं है, वो तो बोल देते हैं कि पैसे ज्यादा थाने में हमारा था। आप उसकी कार्रवाई कर सकते हो तो बताइए, नहीं कर सकते तो हमें बताइए, हम करेंगे फिर। नहीं, आज अधिकारी से भी मिले थे, जो ज्ञापन दिया है। हाँ जी, इन्होंने क्या आश्वासन दिया? अभी उन्होंने कुछ नहीं दिया है, अभी वो शांत हैं, अभी देखते हैं क्या देते हैं, हम उन्हें बताएंगे फिर आपको ही बताएंगे, ठीक है। मंदिर के सामने जो मांस मच्छी वाला शॉप है वो बंद होना चाहिए, वो अत्याचार जो हो रहा है वो सब चीजें बंद होनी चाहिए, मांस मदिरे का जो भी सेवन हो रहा है वो सब चीजें बंद होना चाहिए। जैसे कि अभी इन्होंने लड़की ने बताया कि आए दिन रेप होते हैं वहाँ पे, अभी 14 साल की लड़की के साथ रेप हुआ, कोलकाता में रेप हुआ, आए दिन यहाँ तो रेप ही होते रहेंगे, हम तो यही बैठे रहेंगे, लड़के यहाँ कहीं भी सेफ नहीं है, कहाँ सेफ है फिर, लड़कियाँ कहीं सेफ है, कहीं भी नहीं है, बताओ तो उन्हें वहाँ सेफ रहने नहीं दे रहे। अब तो वो कोलकाता वाला जो केस हुआ था उसमें देख लो, वो लड़की तो जॉब ही कर रही थी, यहाँ छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमते, लड़कियों के कमेंट्स किया जाता, लड़कों को क्यों कमेंट्स नहीं होता है, दारू पी के बदतमीजी करते हैं आए दिन, रोज की बदतमीजी होती है, फिर तो लड़कियाँ घर से बाहर ही निकलेगी, घर में रहेंगी, कहीं जाएंगी ही नहीं, फिर तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, घर में रह ले, पढ़ाया भी है हमारे माँ बाप ने, क्यों पढ़ा रहे हैं हमें, फिर घर में अंगूठा लगा के काम कर लेंगे, ये हमें अत्याचार बंद करना है। और ये जो मंदिर के सामने जो मांस मच्छी वाला जो सीन है वो सब चीजें खत्म होनी चाहिए बस। और भारतीय शिक्षिका पढ़ाने के लिए जिनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं कि आप यहाँ पे आए हैं, आप यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, उनके ड्रेसिंग सेंस पे कमेंट किया जाता है, और गुरुजी को जो पाखंडी बोला गया है, पहले तो सबसे बड़े पाखंडी आप लोग ही हैं, क्योंकि अगर आपके गुरुजी ने हमारे गुरुजी ने अगर आपसे कुछ लिया तो आप बोलने के हकदार है। और जो ये न्यूज़पेपर में मीडिया में जो प्रिंट हुआ था, एक ही पक्ष का ये क्यों प्रिंट किया गया, मैं ये सवाल मीडिया से पूछना चाहती हूँ, एक ही पक्ष का क्यों लिखा गया, दोनों पक्षों का क्यों नहीं लिखा गया? उस दिन बड्डल ड्रिंक करके आए थे, पी के आए थे, पुलिस उन्हें लेके गई है, पुलिस गवाह है, आपने तो पुलिस के ऊपर भी टिप्पणी आउट कर दी है, महिला कहां सुरक्षित है, यहां पे इतनी सारी जनता आती है यहां गुरुजी के यहां उस ट्रस्ट में, तो वो कहां सुरक्षित है, कहां जाएंगी वो, ये सवाल अब हमें कौन देगी, मीडिया देगी या फिर DM साहब देंगे, हमें जवाब चाहिए और हमें सुरक्षा चाहिए। और ये जो हमारे गुरुजी के ऊपर जो ये एलिगेशंस लगाए गए हैं, ये 20-22 साल से खुला है, आपको आज अपनी टिप्पणियां याद आ रही है, आपको आज अपनी प्रॉब्लम्स याद आ रही है कि हमारी ये परेशानियां थी, 20-22 साल से आप कहां सो रहे थे, और ये जो लड़की मरी गई है उसका ऊपर आपने जो गुरुजी के ऊपर लगा दिया है, जब से आप कहां सो रहे थे, 6 महीने से लड़की मरी हुई है,
कहाँ थे आप सब लोग? और ये जो एक और एलिगेशन लगाया गया कि वो भी गुरुजी ने किया, जब आप कहाँ से आए थे इतने समय में? आप जा क्यों? अगर आप इतने गरीब हो तो आपके पास वकील कहाँ से आया? गरीब पंथी में हमारे पास तो कोई वकील नहीं है, आपके पास कहाँ से आया? हमें न्याय चाहिए, और ये जो मेरा ट्रस्ट है, जो मंदिर है, कभी बंद नहीं होगा। गुरु महाराज श्री राम, जय श्री राम, सभी को जय श्री राम। हमारे मंदिर पर अत्याचार हो रहा है, मैं मंदिर का मेंत हूँ, मेरा नाम रवि कुमार है और बाबा मोहन नाम का हमारा मंदिर है जागृति विहार कालेगढ़ी में, जो आज से नहीं है 20-22 साल से है, और मंदिर हमारा रजिस्ट्रेशन है। ऐसा नहीं है कि हम खाली घर में मंदिर बना रखा है, वहाँ लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है और वहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है, मांस के टुकड़े फेंके जाते हैं, दारू पी के वहाँ जो भक्त आते हैं उन्हें परेशान किया जाता है और उल्टी सीधी बातें होती है, उनको छेड़ा जाता है और उनके प्रति नई नई बातें खड़ी करते हैं और दारू पी के मांस खा गए और मांस का खुद टुकड़ा मंदिरों फेंकते हैं और अपने घर के बाहर फेंकते हैं, उनसे कुत्ते ले लेके मंदिर में आके वो बैठ के खाते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल इंसाफ चाहिए, हमारे मंदिर में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। और जब तक मैं हूँ और उस मंदिर में अगर गलत काम होते रहेंगे तो मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मंदिर में ये काम नहीं होता। जय श्री राम। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।